नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Facebook में अक्सर आप देखते होंगे कि किसी किसी का प्रोफाइल लॉक दिखलाई देता होगा। आप उस प्रोफाइल की फोटो देखना चाहते हैं तो फिर आप उस प्रोफाइल की फोटो को नहीं देख सकते हैं, या फिर अगर आप उस प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप उस प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि आप उस लॉक हुए प्रोफाइल को कैसे देख सकते हैं, कैसे उसकी कवर फोटो या फिर प्रोफाइल फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम ओपन करते हैं अपने फेसबुक ऐप को। तो फेसबुक ऐप ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम एक लॉक प्रोफाइल को सर्च करते हैं। दोस्तों ये प्रोफाइल लॉक है और आपको यहाँ पे दिखलाई भी नहीं दे रही होगी, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये आपको ब्लैक दिखलाई दे रही होगी। तो इस प्रोफाइल की फोटो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं और आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। सभी के फोन में क्रोम ब्राउजर होगा तो आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं अपने क्रोम ब्राउजर में फेसबुक को पहले से ही साइन इन करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से उस प्रोफाइल को सर्च करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इस प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। तो ये प्रोफाइल है और इसका हम फोटो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लॉक दिखलाई दे रहा है। इसी तरह से हम कवर फोटो पे क्लिक करते हैं, सेम यहाँ पे इसी तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर आप इस फोटो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट दिखलाई दे रही होगी, यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक पेंसिल वाला आइकॉन दिखलाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप इस पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे काफी आपको लंबी एक वेबसाइट मिलेगी, तो यहाँ पे आपको अपने फिंगर से इस तरह से खींचना होगा। इस तरह से आप खींचते जाइएगा, एकदम शुरू में पहुंच जाइएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है m.facebook.com, तो यहाँ पे m के बाद आप टाइप कर दीजिएगा बेसिक BASIC, यहाँ पर mbasic.facebook.com हो जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिए BASIC ही टाइप कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे ये खुद ब खुद टाइप हो जाता है। तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद अब आपकी फेसबुक प्रोफाइल कुछ अलग ढंग से खुलती है। तो यहाँ पे अगर आप इस फोटो को देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस फोटो पर अपने फिंगर से लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड इमेज का। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड होने लगता है। आप यहाँ से इसे आप ओपन करके देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप कवर फोटो पे भी लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देने के बाद ये कवर फोटो डाउनलोड हो जाता है और ओपन करके आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।